अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयान पिजन। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और गाइज़ मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और फ्रेंड्स बारिश पड़ी है गाइज़ पूरी रात। ये देख सकते हैं गाइज़ हमारे यूपी बिजनौर की तरफ गाइज़ 2-3 दिन से बारिश पड़ रही है और मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये देख लीजिए आप, आँखों गाइज़ चमक भी नहीं हो रहा होगा गाइज़ क्लियर, सारे में गाइज़ काले काले बादल हैं आप देख सकते हैं। और अभी गाइज़ मैं मौजूद हूँ अपनी नीचे वाली छत पर और अपनी मुर्गी आप देख लीजिए वहाँ पर चुग रही है और हम उसके लिए गाइज़ एक मुर्गा भी लेने जाएंगे तो वो भी आपके साथ गाइज़ शेयर कर देंगे। फ्रेंड अभी मैंने अपने कोई भी कबूतर नहीं खोले हैं तो अभी सुबह का वक्त है तो आज मैं आपको गाइज़ दिखाने वाला हूँ सुबह के वक्त की अपने पिजनों की फुल रूटीन। तो कबूतर वबूतर अपने खोलते हैं गाइज़, इनको दाना वाना गाइज़ डला हुआ है तो दाना पानी कर लेंगे ये। फ्रेंड खोलते हैं अभी हम अपने कबूतर, तो ये मैं खोल रहा हूँ अपने कबूतर, ये देख लीजिए ये अपने कबूतर बाहर आएंगे गाइस, इनके छोटे छोटे बेबी पिजन हैं तो गाइस ये उनके लिए दाना खिलाएंगे उनको। ये देखिए अपने कबूतर कितनी रफ्तार से निकल रहे हैं, ये देखिए उड़ने की भी कर रहे हैं कुछ कुछ कबूतर। ये देखिए गाइस ये दो जोड़े ये निकल रहे हैं हमारे, हो गए गाइस एक ये अनार। गाइज आज मैं अपने बच्चे चेक करने वाला हूँ, जो हमारे कबूतरों ने बच्चे निकाल रखे हैं ना इस वाली पेटी में, चेक करने वाला हूँ गाइज कितने कितने बड़े होंगे और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइज अभी तक मैंने नहीं देखे हैं तो आपके साथ ही गाइज शेयर करूँगा, तो चलते हैं अभी। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे दो बेबी पिजन हमारे निकल रहे हैं, ये क्लियर हो जाए गाइज, ये देखिए ये कितने प्यारे हैं गाइज, दो हैं बेबी पिजन तो इनको अंदर रख के आपको और दिखा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक ये है और इसके गाइस दाने भी निकल रहे हैं, इसके किस तरीके से निकल रहे हैं ये देखें, शायद मच्छर काट रहे हैं शायद इनके, तो ये है। और दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, लास्ट वाला गाइस ये है, ये देख लीजिए आप, ये अभी मैं इसको निकालता हूँ, ये देख लीजिए गाइस लास्ट वाला। फ्रेंड्स सारे कबूतर अपने जो ब्रीडिंग सेटअप वाले हैं दाना चुग रहे हैं और ये देख सकते हैं क्योंकि गाइस बारिश कभी भी पड़ सकती है तो मैंने सोचा इनको दाना वाना चुगा देते हैं और आपके साथ गाइस शेयर करते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस सभी कबूतर अपने कितने ज़्यादा खुश हैं, लग रहे हैं साफ छत हो चुकी है बारिश के बाद। तो अभी गाइस चलते हैं ऊपर और ऊपर वाली छत पे सभी पिजन अपने खोलते हैं, जोड़ने वाले अपने कबूतर हैं तो चलते हैं गाइस अभी ऊपर, तो चलते हैं। फ्रेंड्स अभी चलते हैं ऊपर हम जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये देखे गाइस ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, सभी अपने कबूतर बंद है, बस अपना एक मंदरासी कबूतर गाइस वो देखे वो खुला पड़ा है क्योंकि गाइज मैं अपने कबूतर चुगाने के लिए खोलने वाला था तभी बारिश पड़ गई थी और ये निकल चुका था, तो इसकी गाइज आदत हो चुकी है ख़राब ही उनकी छत पर जाकर बैठ जाता है। तो इससे पहले गाइज ये जाकर बैठे हम कबूतर खोल देते हैं और इनको फीड कराते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आह 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 आह, ये अपने सभी कबूतर गाइज निकल जाएंगे, अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए थोड़ा मोड़ा डर रहे हैं गाइज ये, तो अभी निकालते हैं इनको। चलो बेटा चलो बाहर, ये देखे अपने सभी कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर नीचे वो देखें, तो इनको गाइस अभी हम निकालते हैं अपने कबूतरों को। फ्रेंड्स अपने सभी कबूतर आ रहे हैं गाइस धीरे धीरे बाहर, ये देख लीजिए। और मुझे गाइस आज छत साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गाइस बारिश जो है एकदम छत को एकदम क्लीन कर दी है, ये देखिए। और ये भी उतर जाए तो गाइस अच्छा है, ये गाइस वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, ये उसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपने सभी कबूतर गाइस निकल रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये कबूतरी तो नीचे ही जाएगी, अगर इसको नीचे चमक गए तो वो देखें, वो गई गाइस नीचे। और नीचे कबूतर देखें गाइस माशाल्लाह से कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं गाइस ऊपर का व्यू कबूतरों का। तो बगैर देरी करें गाइस हम इनके लिए दाना और पानी लाते हैं और इनको डाल के हट जाते हैं। गाइस मैं नीचे से बासी रोटी लेकर आ चुका हूँ और पहली रोटी गाइस चूर के हम इन कबूतरों में डालेंगे और दूसरी रोटी गाइस हम नीचे डालेंगे। गाइस मैंने पहली रोटी इनको चूर दी है और अपने पिजन गाइस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार से खा रहे हैं और ये भी उतरने लगा है, ये उतर गया गाइस। हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है तो चलते हैं नीचे और इस वाली रोटी को ब्रीडिंग सेटअप वाले कबूतरों को खिलाते हैं गाइस। गाइस मैंने दूसरी रोटी नीचे चूर दी है और उनके साथ गाइस मुर्गी भी खा रही है और गाइस बारिश भी आने लगी है हल्के हल्के और मैं आ चुका हूँ गाइस यहाँ पर अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर और ये देख सकते हैं बारिश आने लगी है, कबूतर बारिश में ही खा रहे हैं। तो जिसकी गाइस मर्ज़ी होगी वो अंदर चला जाएगा,
ऊपर वाले कबूतर भी अपने चुग रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपने कबूतर बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, और ये देख लीजिए ऊपर वाले कबूतर भी है गाइस। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं गाइस। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ऊपर वाले कबूतर भी अपने माशाल्लाह से खा रहे हैं। और अच्छा हुआ गाइस मैंने पहले अपने कबूतर खोल दिए, इनको चुगा के अंदर कर देंगे गाइस, फिर इनकी दिक्कत नहीं रहेगी हमें। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गाइस ताकि बारिश ना पड़े मेरे ऊपर। बारिश आने लगी थी तो मैंने अपने कबूतर चुगा के जो ऊपर वाले हैं गाइस बंद कर दिए हैं। तो अभी नीचे वाले कबूतर भी चलते हैं गाइस और बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने कबूतर अंदर कर दिए हैं, बाकी बंद नहीं करे हैं, कम्प्लीटली अपने कबूतर मस्त आते फिर रहे हैं। और ये लगा दिया है मैंने, तो ये यहीं पर रहेंगे गाइस, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स ये जो हमारे बीमार वाले कबूतर हैं इनको गाइस मैंने खोल कर और यहाँ पर कुछ चावल डाल दिए उबले हुए ताकि ये खा सके निकल कर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर गाइस चरपाई लगी हुई है, निकल भी सकते हैं कुछ कबूतर, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं गाइस। और ये अपना एक आधा कबूतर निकल भी रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो गाइस इनके लिए अनसेफ रहेगा। अगर ये कबूतर निकल गए तो गाइस इनमें बीमारी फैल सकती है। तो इनका और कुछ करते हैं गाइस, इनको निकलने का साधन नहीं करते बिल्कुल भी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक तख्ता सा लगा दिया है और अब तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स अपना सभी काम हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।